ज्ञानोदय क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 का 2 जो एक्सरसाइज 2.3 का है। यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है बहुपद पी एक्स को बहुपद जी एक्स से भाग दे, यानी पी एक्स को किससे भाग देना है, जी एक्स से भाग देना है तथा भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो पी एक्स का मान दिया है और जी एक्स का मान दिया है तो भाग देंगे, यानी एक्स माइनस वन ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया भाजक हो गया। और हमारा भाज कितना दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 2 और भाग देंगे। तो यहाँ पर हमें एक्स क्यू मंगाना है, तो एक्स क्यू लाने के लिए इस एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यू, और फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर में वन से गुना करेंगे, तो यहाँ पर प्लस से माइनस है तो प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब चिन्ह बदलेंगे तो प्लस अब प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कट गया। अब इसके पहले माइनस और इसके पहले प्लस है तो माइनस प्लस घटेगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा और क्या होगा माइनस होगा इसके पहले, ऊपर से उसके बाद जो अंक है उतार देंगे 4x + 2। अब यहाँ पर हमें क्या करेंगे कि फिर माइनस 2x² मंगाना है, तो इसमें क्या से गुना करेंगे तो माइनस 2x से गुना करेंगे, तो माइनस 2x में प्लस x से गुना करेंगे तो माइनस 2x² होगा, फिर माइनस 2x में माइनस 1 से गुना करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। चिन्ह बदलेंगे माइनस माइनस प्लस 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 माइनस, ये माइनस प्लस फिर कट जाएगा। अब इसके पहले प्लस इसके पहले माइनस तो घटेगा तो क्या होगा 2x होगा, और ऊपर से क्या उतरेगा प्लस 2। अब हम इसमें हमें प्लस 2x मंगाना है तो इसमें 2 से गुना करेंगे, यानी प्लस 2 से गुना करते हैं, 2 में x से करेंगे 2x, प्लस 2 में माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस 2। अब चिन्ह बदलेंगे प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब यह कट जाएगा, और इसके पहले प्लस इसके पहले प्लस तो जुटेगा तो 4 होगा। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना था, भागफल और शेषफल, तो भागफल हमारा निकल गया और शेषफल निकल गया, यानी भागफल हमारा कितना हो गया, भागफल बराबर हो गया x² माइनस 2x और प्लस 2, और शेषफल कितना हो गया, शेषफल बराबर 4 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, तो हमारा पी एक्स का मान इतना है और जी एक्स का मान इतना है, फिर वैसे ही सेम भाग देंगे तो एक्स प्लस 4 हमारा भाजक हो गया, अब भाज कितना हो गया 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 3। अब इसमें हमें गुना करना है और कितना मंगाना है 4x³ मंगाना है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे 4x² से गुना करेंगे, तो 4x² में x से गुना करेंगे तो 4x³ हो जाएगा, फिर 4x² में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4×16x² हो जाएगा 16x². अब यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस प्लस माइनस, अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा कट जाएगा यहाँ पर, अब इसके पहले प्लस इसके पहले माइनस तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो 16 में से 3 घटेगा तो कितना होगा माइनस 13x² होगा। अब उसके बाद ऊपर से जो अंक है उतर जाएगा 2x + 3। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर लाना है माइनस 13 लाना है, माइनस 13x², तो इसमें कितना से गुना करेंगे माइनस 13x से गुना करेंगे, गुना करते हैं माइनस 13x में x से गुना करेंगे तो माइनस 13x² होगा, फिर माइनस 13x में 4 से करेंगे तो 13×52 माइनस 52x हो जाएगा, फिर चिन्ह बदल लेंगे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, अब यह कट जाएगा, ऊपर से कितना उतरेगा तो अब यहाँ इसके पहले प्लस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54x, अब प्लस कितना हो गया 3, अब यहाँ पर हमें 54x मंगाना है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे 54 से गुना करेंगे, 54 में x से गुना करेंगे 54x, और इसमें फिर गुना करेंगे तो प्लस, गुना करते हैं 4×16 = 6 हाथ में 1×4=20 21। चिन्ह बदलते हैं प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, यह कट गया, अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तो माइनस 213, यानी कि हमारा भागफल कितना निकल गया, भागफल यानी कि क्यू एक्स बराबर 4x² माइनस 13x और प्लस 54, और शेष कितना निकल गया, शेषफल यानी कि आर एक्स बराबर माइनस 213, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, तो दिया हमारा क्या है, हमारा जो भाज दिया है इतना और हमारा भाजक दिया है इतना, तो सेम वैसे ही भाग करेंगे, यानी पी एक्स का मान दिया है जी एक्स का मान दिया है, तो एक्स माइनस 2 और यहाँ पर लिखेंगे 2x⁴ + 3x³ + 4x²
प्लस 19x प्लस 45। अब हमें यहाँ पर 2x के पावर 4 मंगाना है, तो इस x में क्या से गुना करेंगे, तो 2xq से गुना करेंगे, 2xq में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x के पावर 4। फिर अब यहाँ पर गुना करेंगे 2xq में 2 से गुना करेंगे तो इसके पहले प्लस है, इसके पहले माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर हो जाएगा दो दुना का 4xq। अब चिन्ह बदलते हैं, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, अब यह कट जाएगा, अब इसके पहले प्लस है, इसके पहले प्लस, तो दोनों क्या होगा, जुटेगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 एक्स क्यू हो गया। अब ऊपर से जो है हमारा उतर जाएगा, यानी 4x² प्लस 19x प्लस 45। अब हमें यहाँ पर 7xq मंगाना है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे, तो प्लस 7x² से गुना करेंगे, 7x² में x से गुना करेंगे तो 7xq हो जाएगा, फिर 7x² में माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 14x² हो जाएगा। चिन्ह बदलते हैं, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, अब यह कट जाएगा, अब इसके पहले प्लस, इसके पहले भी प्लस हो गया, तो दोनों जुटेगा, तो 14 × 4 कितना हो जाएगा 18 × x² लगा दिए, ऊपर से क्या उतरेगा 19x और प्लस 45। अब हमें x² यहाँ मंगाना है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे, तो यहाँ पर प्लस 18x से गुना करेंगे, 18x में x से गुना करेंगे तो 18x², 18x में माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 36x हो जाएगा। चिन्ह बदलते हैं, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, 19x के पहले प्लस, 36x के पहले प्लस, जुटेगा तो 9 × 6 = 15 हाथ में 1 3 × 1 = 4 1 5 यानी 55x हो गया, ऊपर से क्या उतरेगा 45। अब हमें 55x मंगाना है, तो इसमें कितना से गुना करें, तो प्लस 55 से, तो हो जाएगा 55x, अब 55 में माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 110 हो जाएगा। चिन्ह बदलते हैं, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यह कट जाएगा, अब यहाँ पर इसको क्योंकि इसके पहले प्लस, इसके पहले प्लस, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 5 × 5 = 4 × 1 = 5 यानी 155 हो जाएगा, यानी कि हमारा भागफल निकल गया और शेषफल निकल गया, तो भागफल हमारा कितना आया, भागफल यानी कि Qx = 2xq प्लस 7x² प्लस 18x प्लस 55, और हमारा शेषफल कितना आ गया, शेषफल यानी Rx कितना आ गया 155, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, तो यहाँ पर फिर वैसे ही सेम भाग देंगे, तो हमारा क्या है, gx हमारा x माइनस 2 है, और px कितना है, x के पावर 4 प्लस 2xq माइनस 3x² प्लस x माइनस 1। अब यहाँ पर हमें x के पावर 4 मंगाना है, तो हम इसमें कितना से गुना करेंगे, तो xq से गुना करेंगे, तो xq में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर 4, और xq में माइनस 2 से गुना करेंगे, इसके पहले तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2xq। अब चिन्ह बदलते हैं, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, अब यह प्लस माइनस कट जाएगा, इसके पहले क्या है प्लस, इसके पहले भी प्लस हो गया, तो दोनों क्या होगा जुटेगा, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, आ क्या हो जाएगा xq हो जाएगा, ऊपर से जो अब है उतार देंगे, माइनस 3x² प्लस x माइनस 1। अब हमें यहाँ पर 4xq मंगाना है, तो इसमें क्या से गुना करें, तो यहाँ पर गुना करेंगे 4x² से, तो 4x² में x से गुना करेंगे तो 4xq हो जाएगा, और इसके पहले प्लस है, इसके पहले माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और गुना करेंगे तो 4 × 2 = 8x² हो जाएगा। चिन्ह बदलते हैं, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, अब यह कट जाएगा, अब इसके 3x² के पहले माइनस, 8x² के पहले प्लस, तो माइनस प्लस घटता है, तो घटेगा तो क्या होगा 5x², और सबसे बड़ा अंक प्लस में है, तो यहाँ पर प्लस होगा, ऊपर से क्या उतरेगा प्लस एक्स और माइनस 1। अब यहाँ पर 5x² मंगाना है, तो क्या करेंगे हम, प्लस 5x से गुना करेंगे, तो 5x में x से गुना करेंगे तो 5x², और 5x में माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 10x हो जाएगा। चिन्ह बदलेंगे, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, अब यह कट जाएगा प्लस माइनस, अब यहाँ पर x के पहले प्लस और 10x के पहले प्लस, तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा 11x, और ऊपर से क्या उतरेगा माइनस 1 उतरेगा। अब यहाँ पर हमें 11x मंगाना है, तो हम क्या से गुना करेंगे 11 से, तो 11 में x से गुना करेंगे तो 11x, और प्लस 11 में माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 22 हो जाएगा। चिन्ह बदलेंगे, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, अब यह कट जाएगा, अब घटेगा 22 में से 1 तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी हमारा भागफल और शेषफल निकल गया, तो यानी भागफल कितना आ गया,
भागफल यानी कि क्यू एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस ग्यारह और शेषफल कितना आ गया, शेषफल यानी आर एक्स यानी कि इक्कीस हो गया। यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे पांच, यानी कि हमारा पी एक्स का मान इतना और जी एक्स का मान इतना दिया है, तो भाग देंगे वैसे ही सेम फिर एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस तीन और यह हो जाएगा एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस तीन। अब यहाँ पर हमें एक्स क्यू मंगाना है तो इसमें कितना से गुना करेंगे, तो x से गुना करेंगे, तो x में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यू, फिर x में माइनस फोर एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x में तीन से गुना करेंगे तो इसके पहले प्लस इसके पहले प्लस तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा तीन एक्स हो जाएगा। अब चिन्ह बदलते हैं, प्लस प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस होता है माइनस। अब यहाँ प्लस माइनस कट जाएगा यानी माइनस तीन एक्स स्क्वायर है प्लस फोर एक्स स्क्वायर है, घटेगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर होगा और दोनों क्या होगा जुटेगा, तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस फोर एक्स, ऊपर से कितना उतरेगा तीन। अब यहाँ पर हम कितना से गुना करेंगे तो सिर्फ प्लस वन से गुना करते हैं, तो वन में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर गुना करेंगे तो माइनस फोर एक्स और यहाँ पर गुना करेंगे तो प्लस तीन। चिन्ह बदलते हैं, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, यानी सब कट गया यहाँ पर, यानी कि सब कट गया प्लस माइनस, तब यहाँ पर कट कर क्या आ गया जीरो आ गया, तो यानी कि हमारा जो भागफल हो गया, भागफल